So okay guys, now that we are done with the assessing part, जहाँ पे हमने सारे डेटा क्वालिटी इश्यूज और टाइडीनेस इश्यूज को निकाला और लिस्ट डाउन किया, दीज आर ऑल द इश्यूज दैट वी हैव विद आवर डेटा. नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ डेटा रैंगलिंग प्रोसेस विच इज क्लीनिंग डेटा. ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज यहाँ पे तुम अपना डेटा को क्लीन करते हो. सो आई जस्ट डिस्कस यू नो अ ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव ऑफ हाउ डेटा क्लीनिंग इज डन. So first of all, this is a general opinion that you should follow this order jo screen pe tumhare hai. First you should clean the completeness issues, jahan bhi data missing hai na usko sabse high priority pe rakh karke sabse pehle usko theek karna hota hai. Then you move on to the tidiness issues, that is structural issues, okay. Aur finally jab ye dono kaam ho jata hai uske baad tum baki ke jo data quality issues hai na, वैलिडिटी रिलेटेड या एक्यूरेसी रिलेटेड या इनकन्सिस्टेंसी रिलेटेड, तुम फिर उसको सॉल्व करते हो, ठीक है. सो ऑर्डर ये फॉलो करना, जब भी तुम्हारे पास अलग अलग टाइप का इश्यूज है डेटा के अंदर, पहले कंप्लीटनेस, फिर स्ट्रक्चरल और फिर बाकी के इश्यूज. दैट्स द ऑर्डर दैट यू शुड फॉलो. द सेकेंड थिंग इज व्हेन यू डू क्लीनिंग, सी क्लीनिंग का सिंपल मतलब है तुमको एक प्रॉब्लम है, तुमको उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट. बट यू शुड फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर, एंड दैट प्रोसीजर इज to define, to code, to test, ठीक है. तीन चीज़ें करनी होती हैं क्लीनिंग प्रोसेस में. पहले तुम डिफाइन करते हो, यू एक्चुअली राइट कि मैं क्या करके इस चीज़ को क्लीन करूँगा, ठीक है. दैट्स द फर्स्ट स्टेप, यू डिफाइन द थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू. द सेकेंड थिंग इज यू राइट कोड टू डू द क्लीनिंग, और थर्ड में यू टेस्ट इट, ठीक है. ऑब्वियसली एक बार तुमको चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा कोड सही से रन किया कि नहीं, ठीक है. और एक लास्ट चीज़ और, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्रैक्टिस टू कॉपी योर डेटा फ्रेम्स बिफोर स्टार्टिंग द क्लीनिंग प्रोसेस. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लीनिंग के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो तुमको एकदम ऊपर से जा करके पूरा का पूरा चीज़ को लाना पड़ेगा वापस से. उससे बेटर है कि तुम एक कॉपी मेंटेन करके रखो, ठीक है. सो ये एक जनरल प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है. नाउ व्हाट वी विल डू इज अगले दो चार वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे, हम ये हमारे पास ये इश्यूज़ हैं, राइट. अगर तुमने नोटिस किया होगा, पिछला वाला सारा वीडियोस देखा होगा, तो हमने सबको क्लासिफाई करके रखा है कंप्लीटनेस के बेसिस पे. सो हमारे पास तीन कंप्लीटनेस इश्यूज़ हैं. पहला, हमारे पास पेशेंट टेबल में ये 12 पेशेंट्स का एड्रेस एज इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है. दिस इज द फर्स्ट इशू. द सेकेंड इशू इज कि हमारा जो ट्रीटमेंट्स टेबल है उसमें HbA1c चेंज कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है. सेकेंड इशू. द थर्ड इशू इज कि 350 पेशेंट्स का रिकॉर्ड होना चाहिए था ट्रीटमेंट्स टेबल पे, 175 प्लस 175, बट हमारे पास सिर्फ 280 है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग इसको टारगेट करेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे और हमारे जितने भी टाइडीनेस इश्यूज हैं कि फ़ोन और ईमेल एक साथ है, या ट्रीटमेंट्स टेबल में ऑरलिन और नोवोड्रा सिर्फ दो कॉलम्स में सारा डिटेल है, उसको तीन में कन्वर्ट करना है, और एडवर्स रिएक्शन टेबल को एलिमिनेट करना है, ये तीनों को हम उसके बाद सॉल्व करेंगे. और फाइनली फिर वापस आकर के जितने भी हमारे बाकी बचे इश्यूज हैं ना, ये बाकी जितने भी इश्यूज हैं हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो दैट्स द एंटायर प्लान ऑफ दिस वीडियो और एक्चुअली सबसीक्वेंट वीडियोस, ओके. सो लेट्स स्टार्ट देन. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंप्लीटनेस इश्यूज, ओके. सो हमारे पास तीन कंप्लीटनेस इश्यूज हैं. फर्स्ट इज कि देयर आर 12 पेशेंट्स जिनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे पास नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था. सो आई शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा दिख रहा है ये पूरा सीन. इफ़ यू गो टू, बाय द वे मैंने एक काम और किया है, मैंने सारे डेटा फ्रेम्स के लिए एक एक कॉपी बना लिया, ठीक है, यूजिंग द डॉट कॉपी फंक्शन. सो मेरे पास तीनों का कॉपीज है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू कि कैसा दिख रहा है जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं. पेशेंट्स कॉपी का एड्रेस डॉट इज नल, ये हमने किया था, और इसी को हम वापस डाल देंगे पेशेंट्स कॉपी में. पेशेंट्स कॉपी, इफ यू रन दिस
सो ये हमारे पास कुछ 12 पेशेंट्स हैं जिनका कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे पास नहीं है. नाउ द थिंग इज कि देर इज़ नो वे दैट यू कैन फाइंड आउट दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स. मतलब पेशेंट्स का अगर तुम्हारे पास एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड और कंट्री और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तुम डेटा से गेस नहीं कर सकते, तुम मीन नहीं लगा सकते, देर आर नो इम्प्यूटेशन स्ट्रैटेजीज जिससे तुम इस डेटा को फिल कर पाओ. ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस, सो विल लीव दिस. ओके, सो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, लेट्स लीव इट. द नेक्स्ट वन इज़ देर आर ओनली 280 रोज इंस्टेड ऑफ 350. नाउ सी, मेरे को एक डेटा सेट मिल गया है जिसमें देर आर 70 मोर रोज, जो मिसिंग वैल्यूज है उसके लिए एक अलग सेपरेट डेटा फ्रेम मेरे को मिल गया है, बट मैंने सोचा है कि वो मैं आपको दे दूँ, आप इस प्रोसेस को उसको सॉल्व करो. ठीक है, क्योंकि एनी वेज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, तो आप ये काम करना, मैं नहीं कर रहा. ठीक है, कुछ करना नहीं है, कॉन्कैटनेट करना है. मैं बस ये लास्ट वाला कर रहा हूँ, HbA1c चेंज कॉलम एज मिसिंग वैल्यूज. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक इज़ वेरी सिंपल. व्हाट यू विल डू इज़, तुमको HbA1c जो भी कॉलम का नाम है, ये आई विल शो यू, ये तुमको सिंपली मिल रहा है इन दो कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करने से. राइट, सो डिफाइन के प्रोसेस में हम बस क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन में लिख देंगे सब्ट्रैक्ट HbA1c फ्रॉम HbA1c एंड टू गेट HbA1c चेंज. ठीक है, दिस इज द स्ट्रैटेजी, हमको बस इतना करना है. और कोड में भी बहुत सिंपल है, व्हाट वी विल डू इज विल राइट ट्रीटमेंट 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 कॉपी, और हमारे कॉलम का नाम है HbA1c चेंज. दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू, आई विल सिंपली कॉपी दिस, या आई विल जस्ट चेक कि बाद वाला वैल्यू बढ़ा है या पहले वाला वैल्यू बढ़ा है. सो अपेरेंटली पहले वाला वैल्यू बढ़ा है, तो हम पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो विल राइट स्टार्ट एंड विल कॉपी एंड पेस्ट विथ एंड, दैट्स इट. ठीक है, और इस कोड को हम रन कर देंगे और अब बस जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं कि ये पूरा सेटअप सही है कि नहीं. सो व्हाट वी विल डू इज विल राइट ट्रीटमेंट कॉपी डॉट इजनल डॉट सम जस्ट टू चेक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इजनल. ओके गाइस, व्हाट वी विल डू इज हम उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर चला लेते हैं. सो विल राइट दिस एंड विल राइट इज नल, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज नल. ओके, माई मिस्टेक, अंडरस्कोर नहीं लगेगा. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम सम लगा दें तो सम जीरो आ रहा है, विच शोज कि हमने इस पर्टिकुलर कॉलम से सारी नल वैल्यूज हटा दी. इससे इजी तरीका वैसे होता अगर हम इन्फो से चेक करते. सो इन्फो शोज कि अब हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं सभी में 280 रोज हैं. एक काम और हम कर सकते हैं कि हम ट्रीटमेंट कॉपी डॉट डिस्क्राइब लगा करके मैथमेटिकली भी चेक कर लें कि सब सही है कि नहीं. सो इफ़ यू सी नाउ हमारा जो मैक्स है वो 0.54 है, और हमारा 75 परसेंटाइल जो था वो 0.44 है, और 50th परसेंटाइल 0.39 है. तो नाउ दिस वैल्यू इज़ करेक्ट. यहाँ पर हमने एक और चीज़ सॉल्व कर लिया, वो जो हमारा प्रॉब्लम था ना जहाँ पर हम 4 के बदले 9 लिख रहे थे बार बार, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया क्योंकि अब हमने मैथमेटिकली कंप्यूट किया इस कॉलम का वैल्यू. ठीक है, सो कंप्लीटनेस के जो 3 इशूज थे उसमें से 2 इनसॉल्वेबल थे, हमने नहीं किए, अनसॉल्वेबल, आई एम सॉरी, अनसॉल्वेबल थे, हमने उसको नहीं किया.
और जो एक बचा था उसको हमने सॉल्व किया, ठीक है. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डील विथ टाइडीनेस इश्यूज. ओके गाइज, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फिक्स द टाइडीनेस इश्यूज. सो देर आर थ्री टाइडीनेस इश्यूज इन आर डेटा सेट. फर्स्ट, फोन और ईमेल एक सिंगल कॉलम में है, कॉन्टैक्ट बोल के इन पेशेंट्स टेबल. सेकेंड, नोवोड्रा और ऑरेलिन इज नॉट करेक्टली अरेंज्ड और स्ट्रक्चरली करेक्ट इन द ट्रीटमेंट टेबल. और एडवर्स रिएक्शन टेबल को हम लोग को ट्रीटमेंट टेबल के साथ मर्ज करना है. ये तीन चीज़ें हैं. अगेन आई हैव प्लान्ड कि मैं इसमें सबसे डिफिकल्ट वाला मैं करा रहा हूँ, बट बाकी के दो जो हैं, फ़ोन और ईमेल वाला और मर्ज करने वाला, ये तुम लोग हैंडल करना. फ़ोन और ईमेल वाले में तुमको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन का, सो ट्राई करना, इट्स इंटरेस्टिंग. और मर्ज वाले में यू ऑलरेडी नो पीडी डॉट मर्ज करना है. ये नोवोड्रा और ऑरेलिन वाले में वी आर गोइंग टू यूज़ दिस पैंडास फंक्शन. विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ नोवोड्रा एंड ऑरेलिन यूजिंग द मेल्ट फंक्शन. बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, बहुत कम यूज होता है, बट यू विल सी कितना पावरफुल है. सो मैंने क्या किया, मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ. अब ये कोड देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट थोड़ी देर में आई विल एक्सप्लेन क्या हो रहा है यहाँ पे. सो मैंने पी डी डॉट मेल्ट फंक्शन को कॉल किया अपने डेटा फ्रेम के ऊपर, ट्रीटमेंट कॉपी के ऊपर, ठीक है. सो जैसे इसको रन करेंगे, देखना क्या हुआ कि एक दो नए कॉलम्स बन गए. नोटिस करना, पहले जो हमारे पास नोवोड्रा और ऑरेलिन बोल के जो दो कॉलम्स थे वो हट गए, और उसके बदले ट्रीटमेंट और डोज बोल के दो कॉलम्स आ गए, ठीक है. नाउ सी हुआ क्या यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स पास किए. पहला हमने अपना डेटा फ्रेम पास किया, दूसरा हमने आईडी अंडरस्कोर वेयर्स पास किया, ठीक है. यहाँ पे हमने उन कॉलम्स का नाम दिया जिसमें हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए. सो गिवन नेम, सरनेम, एच बी ए वन सी, स्टार्ट, एंड और चेंज, इन कॉलम्स को हमने टच नहीं किया, ठीक है. फिर हमने क्या किया, वेयर नेम इक्वल टू ट्रीटमेंट बनाया दिस कॉलम. और इससे क्या हुआ कि आपका जो नोवोड्रा और ऑरेलिन जो दो कॉलम नेम्स थे ना, वो कॉलम नेम्स एक्चुअली ट्रीटमेंट कॉलम के वैल्यूज बन गए, रोज बन गए, ठीक है. एक्चुअली इनफैक्ट यू विल नोटिस दिस कि ये जो नया डेटा फ्रेम बन रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे, जो डेटा फ्रेम है इसको अगर तुम पूरा स्क्रॉल डाउन करो तो देर आर 560 रोज. 560 कैसे हो गए, क्योंकि देर आर 280 मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट. पहले 280 था. इमेजिन करो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम कैसे रीअरेंज हुआ, कि ऑरेलिन और नोवोड्रा दोनों के दोनों कॉलम्स थे, ये दोनों एक दूसरे कैसे नीचे आ गए, ठीक है, इसलिए 280 हो गया. और ये जो वैल्यू है ये ट्रीटमेंट टेबल में चला गया. नेक्स्ट इज कि यू विल नोटिस कि एक डोज बोल के था, सो जहाँ पे भी ऑरेलिन का वैल्यू है वो वहाँ पे फिल हो गया. जैसे यहाँ पर ऑरेलिन था लेकिन खाली था इसलिए वैल्यू नहीं आया, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू इज, ऑब्वियसली हमें ये वैल्यू ज़रूरत नहीं है. सोच के देखो, ये जो पेशेंट है एलियट रिचर्डसन, इसका ऑरेलिन में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसको नोवोड्रा दिया गया, ठीक है. सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, फर्स्ट विल स्टोर दिस न्यू डेटा फ्रेम. इसको स्टोर कर लिया. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज, हम इसमें फिल्टर आउट कर लेंगे जहां भी डैशेज हैं डोज कॉलम में, हमको वो रोज नहीं चाहिए. सो व्हाट वी विल डू इज, विल राइट ट्रीटमेंट कॉपी का जो डोज है शुड नॉट बी इक्वल टू डैश, और इसको हम ट्रीटमेंट कॉपी में ही डाल रहे हैं. जैसे आप ये करोगे, अब हमारे पास वापस से एक डेटा फ्रेम आएगा जिसमें सिर्फ 280 रोज होंगे. आई विल शो यू, ये देखो. और अगर तुम इसको स्क्रॉल करो तो ओके, या एक्चुअली 280 रोज ही हैं, बस ये इंडेक्सिंग चेंज हो गया, देर आर 280 रोज, ठीक है. या सो दैट्स डन. नाउ व्हाट विल डू इज, विल अगेन स्टोर दिस वेरिएबल, आई स्टोर दिस इन द सेम वेरिएबल. अब बस एक काम बच गया गाइस, और वो ये है कि ट्रीटमेंट वाले टेबल से तो मेरे को समझ में आ रहा है कि उसको ऑरेलिन मिला या नोवोड्रा मिला,
बस मुझे ये करना है कि डोज को मुझे दो कॉलम्स में ब्रेक करना है, स्टार्ट और एंड, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, आई विल फर्स्ट रन दिस कोड एंड देन व्हाट आई विल डू इज सी आई विल डू दिस, आई विल राइट, ये वाला कोड भी नया लगेगा वैसे, ट्रीटमेंट कॉपी डोज डोज डॉट, इसको मैं str में कन्वर्ट करके इसके ऊपर एक फंक्शन लगाऊंगा स्प्लिट ऑन टॉप ऑफ डैश, और वापस मैं इसको str में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और इससे मुझे क्या होगा, मेरा एक सिंगल रो दो रोज में स्प्लिट हो जाएगा डैश के ऊपर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, उसको दो अलग कॉलम्स में स्टोर कर लेता हूँ। सो आई विल स्टोर द फर्स्ट वैल्यू इन स्टार्ट एंड आई विल स्टोर द सेकेंड वैल्यू इन एंड इक्वल टू, ये रहा नो एट्रीब्यूट स्प्लिट। ओके सो गाइज दिस इज द एरर, क्वाइट सिली, स्प्लिट का स्पेलिंग गलत है, split होगा। और अब जैसे इसको रन करेंगे दिस शुड वर्क, जस्ट वन सेकेंड, ओके इट्स टेकिंग टू मच टाइम, ओके अब ये रन कर गया। अब एक नए सेल में आई विल शो यू ट्रीटमेंट कॉपी कैसा दिख रहा है, एंड यू कैन सी हमारा काम हो गया, ठीक है। सो यू कैन सी सब कुछ सही है, ट्रीटमेंट आ गया, स्टार्ट आ गया, एंड आ गया। अब ये वाला जो डोज कॉलम है ये रिडंडेंट है, इसको हटाने के लिए विल सिंपली राइट ड्रॉप कॉलम्स में विल पास डोज, ठीक है। और ये डोज हट गया, एक काम करते हैं, इनफैक्ट लेट्स डू दिस, इन प्लेस कर देते हैं इसको, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, एंड नाउ टेस्ट करने के टाइम बस ट्रीटमेंट कॉपी डॉट हेड करके हमें दिख जाएगा कि हमारा काम हुआ कि नहीं। सो हियर इट इज, गिवन नेम सर नेम H1 HbA1c स्टार्ट एंड चेंज ट्रीटमेंट ऑरलिनिया नोवोड्रा स्टार्ट और एंड वैल्यू, ठीक है। अब गाइज और मैं नहीं कर रहा क्लीनिंग, नाउ योर टास्क इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द रिमेनिंग टाइडनेस इशूज, और इसके अलावा जितने भी क्वालिटी इशूज बच गए जो ऊपर नोटेड हैं ये आपको सॉल्व करना है इस असाइनमेंट को कम्प्लीट करने के लिए, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू विथ दिस नोटबुक एज वेल एज ऑल द डेटा सेट्स, ओके, एंड इट्स योर टास्क टू कम्प्लीट दिस एंटायर असाइनमेंट। देखो मैंने सारे के सारे एरर्स भी लिस्ट डाउन नहीं किए हैं, तो एसेसिंग स्टेज में भी कुछ और चीज़ें बची हैं, वो भी तुमको फाइंड आउट करना है और इसको कम्प्लीटली क्लीन करना है। गाइज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार एक डेटा सेट के ऊपर अच्छे से काम कर लोगे ना तो एक मेंटल फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाएगा, और फिर आगे से तुम कोई भी डेटा सेट पर काम करोगे ना तो तुम इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो, एंड इट्स अ प्रूवन डेटा फ्रेमवर्क, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।